हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से आप सभी के बीच आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है यूजफुल होम रेमेडी लेकर के आई हूँ आप सभी के बीच। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। बहुत आज की ये रेमेडी जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इतना मतलब अच्छा रिज़ल्ट आता है इससे कि आप इसको करने के बाद ही जो है यकीन मानेंगे। तो चलिए, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है जो है एक मतलब भर के चम्मच नहीं है, थोड़ा सा खाली ही रखिएगा। ये चावल वो वाला है जो हम लोग खाते हैं, वही चावल लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो हम ये जानते थे कि हम चावल को सिर्फ खाते हैं रोटी बना के, या चावल वैसे ही डाल के खाते हैं पका के, लेकिन हमें नहीं पता था अभी तक कि बालों के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये गुणकारी होता है। तो एक चम्मच मैंने लिया है, एक चम्मच से थोड़ा सा कम चावल साबुत। और उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि हम लेंगे ये जो है बहुत ही जानी मानी कड़ी पत्ता, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है पूरा एक डंठल ये करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी कुछ कुछ इसमें इंग्रेडिएंट और भी ज़्यादा जो है पड़ेंगी, और वीडियो में पूरा बने रहें आप लोग, पूरा अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को कैसे क्या क्या मिलाना है और कैसे कैसे हमारा रेमेडी बन के तैयार होगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे इसे, तभी आपका रेमेडी एकदम अच्छे से बन पाएगा। तो चलिए, हम इन सभी चीज़ों को यानी एक साथ मिक्स कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि इसमें हम डालेंगे पानी। तो अभी हम पानी को इसमें डालते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज़ें और पड़ेंगी, तो तभी आपको पता चल पाएगा जब आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके और रख देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये चावल और ये हमारा जो कलौंजी है फूल जाए। तो अभी ये 4 से 5 मिनट के करीब हो गया है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है चावल और कलौंजी जो है पानी को। अब इस पानी को हमें क्या करना है कि हमें लेना है एक छोटा सा बर्तन, भगोना या चाय फ्राई पैन जो भी आपके पास है, कोई भी एक बर्तन आप ले सकते हैं। इन सभी को इसमें अच्छे से डाल देना है। तो अभी मैंने गैस को कर दिया है ऑन, और इस बर्तन को हमें रख देना है गैस पर, और इसको कंटिन्यू जो है चलाना है 2 से 3 मिनट तक। पहले इसे पका लेना है फ्रेंड। जब ये थोड़ा सा लगे कि अच्छे से पक गया है, तब इसमें कुछ सामान अभी इसमें और डालना है। आज की ये जो रेमेडी हमारी बनके तैयार होने वाली, इससे एक नहीं कई फायदे आप सभी को होने वाले हैं। तो जब हमारे बाल काफ़ी समय तक जो है रह जाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं कटवा पाते हैं, तो उसमें जो है दो मुहे बाल हो जाते हैं, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इससे सिल्की और शाइनी बन जाता है हमारा बाल। ये जो चावल है और कलौंजी से जो है जड़ तक ये बालों को काला कर देता है। अभी काफ़ी हद तक जो है सारी सामग्री हमारी पक चुकी है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाय की पत्ती। चाय पत्ती से हमारे जो बाल होते हैं बहुत ही ज़्यादा घने और काले होते हैं। तो चाय पत्ती को भी डाल करके थोड़ी देर हम उबाल लेंगे। चावल हमारा जब अच्छे से पकने लगे, जैसे हम लोग चावल बना के खाते हैं उस तरह, जब ये अच्छी तरह से पक जाए, तब समझिए कि हमारी रेवड़ी जो है बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए, इसे हम पहले पका लेते हैं। अभी फैमिली, ये अच्छे से पक गया है हमारा चावल, बहुत अच्छे से ये रेमेडी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इधर से ले लिया है मैंने एक वही वाला बॉल
वो पीसे और इस रेमेडी को इसमें हम छान लेते हैं। तो देख पा रहे हैं पत्ती का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से फूल गई हैं। अभी इसको हम ऐसे ठंडा होने देते हैं। और इसको लगाना कैसे है, फैमिली मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया आप सभी को तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।